तो दोस्तों आज मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है जिसकी रिक्वायरमेंट हर यूट्यूबर को होती है। ये है अगारो की तरफ से आने वाला एक ट्राईपोर्ट, और ये जो ट्राईपोर्ट है ये काफी कमाल का ट्राईपोर्ट है, काफी अच्छी क्वालिटी है। और अगर हाइट की बात करें तो पूरे 66 इंच की हाइट है, यानी 5.5 फिट की हाइट है। अब मैं आपको बता दूं कि आप DSLR भी यूज कर सकते हैं इसमें और मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 kg तक वेट को सहन कर लेता है, यानी 3 kg तक का लोड ये ले लेता है। तो आप अगर DSLR भी यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पता है खुशी की बात ये है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्राईपोर्ट है, तो ये वाला ट्राईपोर्ट का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। एक कोई भी विनर इसको जीत जाएगा, यार जो भी भाई ऐसा यूट्यूबर है जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है वही गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिएगा। वीडियो देखते रहिए, इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ओनली टेक। तो चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और यहां पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं अनबॉक्सिंग करते करते कि इस ट्राईपोर्ट के साथ आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। अब ये इसका जो बॉक्स है ये मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक बैग मिल जाता है। बैग काफी अच्छा है, अगर आप ट्रैवल वगैरह में भी जाएंगे तो इसको इस तरह से जो है ले जा सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, लाइट वेट है इसका, जो वेट है ये 1.5 किलो वेट है, तो बहुत लाइट वेट है। मेरे पास जो दूसरा ट्राईपोर्ट है और जो अभी फिलहाल कैमरे पर लग रहा है वो काफी ज्यादा भारी ट्राईपोर्ट, उनको मैं ट्रैवल में नहीं ले जा सकता, लेकिन इसको मैं इजीली लेके जा सकता हूँ अपने शोल्डर पर हैंग करके। तो चलिए भाई इस बैग को भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ बाहर इसको, और यहाँ पे चलिए बाहर आ गया ये। मैं आपको एक चीज बता दूं यार, इसका जो कलर है ना ये मुझे पहली नजर में पसंद आ गया, ब्लैक कलर का है। जो सिल्वर कलर के ट्राईपोर्ट होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। बाकी मैं इसके अंदर देखता हूँ और तो कुछ नहीं है, और बैग की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैग को मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पे और देखते हैं इसके अंदर हमको और क्या क्या मिलता है। ओनली ट्राईपोर्ट है, मोबाइल होल्डर भी मिलता है, हम चेक कर लेते हैं। आ जा भाई बाहर आ जा जल्दी से फटाफट। तो दोस्तों मोबाइल पे यूज करने के लिए हमको देखो एक मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है कि आप अगर मोबाइल यूजर हैं तो आपको एक मोबाइल होल्डर भी मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को कि इसके साथ ही आ गया। तो चलिए इसको भी हम यूज करेंगे अभी। और यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिल जाता है आपको अगारो की तरफ से आने वाला, ये वाला, इसको भी साइड में रख देते हैं। और फाइनली हमारे पास ये है ट्राईपोर्ट। तो दोस्तों ट्राईपोर्ट को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। मैं आपको बता दूं कि ट्राईपोर्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफी कमाल की है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब दिखने में भी बहुत गुड लुकिंग लगता है। और यहाँ पे आपको 3 लॉकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं तो ये रोटेटेबल रबर मैट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसकी जो मिनिमम हाइट है ये है 23.5 इंच, और जब ये कंप्लीट आप इसको बड़ा करेंगे, जब इसको ओपन कर देंगे एक्सपेंड करेंगे तो ये 66 इंच का हो जाता है, यानी काफी अच्छी इसकी हाइट हो जाती है, और उसके ऊपर हम मोबाइल होल्डर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से फीचर हमको मिलते हैं। तो दोस्तों ट्राईपोर्ट को हमने यहाँ पे फुल्ली ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफी ज्यादा है, यानी आपकी हाइट कितनी भी हो आप इससे इजीली वीडियो शूट कर पाएंगे। एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, यहाँ पे अगारो की ब्रांडिंग दे रखी है और यहाँ पे आपको एक हैंडल दे रखा है, आप देखिए ये एक हैंडल है, इससे आप उठा भी सकते हैं, आप इसको बंद करके उठा के इस तरह से हैंग लेके भी जा सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा मैं आपको इसके और भी फीचर दिखाता हूं। तो पहला फीचर इसका मुझे ये अच्छा लगा कि इसके अंदर आपको यहाँ पे बबल लेवल मीटर मिल जाता है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ ट्राईपोर्ट इस टाइम बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। इसके अलावा एक फीचर और है, मैं उसको भी आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है ट्राईपोर्ट का टॉप, और मैं आपको दिखाता हूँ टॉप पर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाती है एक क्विक रिलीज प्लेट। अब ये जो क्विक रिलीज प्लेट है इस पर आप DSLR को माउंट कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं और मैं आपको और फीचर दिखाता हूं। देखिए यहां पे ये जो सिस्टम है ये 3-way हेड है, यानी आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से भी आप इसको मूव कर सकते हैं, आप डाउन शॉट ले सकते हैं और अपर शॉट भी आप जो है ले पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह इसको राउंड अराउंड घुमा भी सकते हैं और ये देखिए 360 जो है घूम जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो सिस्टम है इसका, इसको भी आप 180 डिग्री घुमा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये 180 डिग्री, मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट करके, आप इसको इस तरह से 180 डिग्री तक ऐसे टिल्ट कर सकते हैं, यानी ये 3-way हेड है, टिल्ट भी हो जाता है, घूम भी जाता है, राउंड भी है, और ये अप डाउन के शॉट भी इजीली ले लेगा।
इसके अलावा मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ भी आपको एक जो है बबल मीटर मिल जाता है ग्रीन कलर का, आप देख रहे होंगे। तो ट्राइपोड मेरे हिसाब से काफी अच्छा है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो काफी कमाल की है ही। दोस्तों यहाँ पे हमने मोबाइल होल्डर को यहाँ पे माउंट कर दिया है, और अगर हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं तो हम इस तरीके से देखिए मोबाइल को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और मोबाइल से आप इजीली शूट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए कैमरा भी ऑन किया हुआ है, तो काफी अच्छा ट्राइपॉड है। आप DSLR यूज करें चाहे मोबाइल यूज करें, आपके लिए ट्राइपॉड बेटर रहेगा। जब हम ट्राइपॉड से कुछ शॉट्स लेते हैं तो हमें एक चीज और देखनी होती है कि कितना स्मूथ वर्क करता है। तो देखिए मैं आपको एक उंगली से घुमा के दिखा रहा हूं, आप देखिए कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा स्मूथली वर्क करता है। तो ये भी मुझे काफी अच्छी इसकी बात लगी। ट्राइपॉड का ये वाला जो हैंडल है ये मुझे काफी अच्छा लगा, इससे आप इजीली कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। और इस ट्राइपॉड की अगर बिल्ड की बात करूं तो एल्युमिनियम बिल्ड है, जिससे ये मजबूत भी हो जाता है और इसके अलावा लाइट वेट भी हो जाता है। ट्राइपॉड की भाई प्राइस कितनी है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्राइपॉड है आपको ऑनलाइन मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पर भी, अमेजन पर भी और अगारो की खुद की वेबसाइट पर भी। फिलहाल जो इसका प्राइस है वो है 1399 रुपए, और ये प्राइस वेरी होती रहती है। बाइंग लिंक जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप जाकर बाय कर सकते हैं। बाकी इस प्राइस रेंज में मुझे ये ट्राइपॉड काफी अच्छा लगा, फीचर वाइज भी अच्छा है, लाइट वेट भी और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और दिखने में भी सुंदर है। अब बात करते हैं कि भाई मैं इसका गिव अवे कर रहा हूं तो एक विनर जरूर बनेगा। अब वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है वो सुन लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गिव अवे लिंक मिलेगा क्योंकि ग्लीम के थ्रू हम इसका गिव अवे कर रहे हैं, वहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। 15 जुलाई तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद में इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा और जो भी विनर होगा उसके घर में ये भेज दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, वही लोग पार्टिसिपेट करें जिनके घर पर कोरियर आ जाता हो, क्योंकि पिछले गिव अवे में मेरे को काफी प्रॉब्लम्स आई है भेजने में प्रोडक्ट को। तो जिनके घर कोरियर इजीली पहुंच जाती है वो लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।